Okay, so once again, very good evening to all of you. So now we are starting 10M04, that is quadratic equation. Now let us remember quadratic polynomial. It is ax square plus bx plus c, and quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. And what is the condition over here, students, for quadratic equation? Your a should not be equal to 0. b c aapke 0 ho sakte hain, but a aapka 0 nahi hona chahiye, kyunki a 0 ho jayega to x square aapke paas bachega hi nahi, isn't it? ओके, तो अभी जो हमें पहली एक्सरसाइज में सीखना है, हमें वही सारी चीजें सीखनी है, जस्ट उसको रिवाइज करना है. ओके, सो जस्ट टेल मी हियर, सो फर्स्ट दिस इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इजंट इट? ये आपका उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. ओके, नाउ उसके बारे में और क्या क्या जानते हो आप? Yes, it is having two roots. अब roots और zeros में difference क्या है समझना. Okay, if I am telling roots versus zero, so what is the difference between roots and zero? So zero is defined for polynomial. Okay, कि zero is defined for polynomial. So if I am telling that x is equal to alpha and x is equal to beta are zeros of polynomial p of x, then I can say p of alpha will be equal to 0 as well as p of beta will be equal to 0. But if I speak roots, then roots related to equation, zeros aapke polynomial ke liye hote hain aur roots aapke equation ke hote hain, theek hai? So, ये रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा? वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन के अंदर जो भी आंसर है वो आएगा. सो हियर x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है आपकी? p ऑफ x इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? जीरोस मतलब उसको पॉलिनोमियल में रख के आंसर 0 आएगा, एंड रूट्स मतलब दिस. ओके, नाउ इट्स ग्राफ. सो उसका ग्राफ कैसा था स्टूडेंट्स? मैंने आपको तीन केसेस दिखाए थे उसके, इजंट इट? या तो आपको 1 0 मिलेगा, राइट, या तो आपको 2 0s मिलेंगे, या तो आपको 3 0s मिलेंगे, और हर एक केस में आपको दो टाइप के ग्राफ मिलेंगे, इजंट इट? आपका ग्राफ याद है, इसका ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स? ओके, सो हु विल टेल मी अबाउट इट्स ग्राफ? हरीश ने तो ऑलरेडी बोल दिया है. वेरी गुड, पैराबोला, राइट. और वो कितने टाइप के पैराबोला मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको? 3 टाइप्स, इजंट इट? क्योंकि वो आपको आइदर 2 रूट्स मिलेंगे, या आइदर 1 रूट मिलेगा, या आइदर 1 भी रूट नहीं मिलेगा. ओके, एज वेल एज आइदर 2 रूट मिलेंगे, आइदर 1 रूट मिलेगा, आइदर 1 भी नहीं मिलेगा. एंड वो आपको कैसे मिलेंगे? 3 रूट तो नहीं होंगे, ठीक है? उसके मैक्सिमम आपको 2 रूट से मिलेंगे. एंड अगर मैं उन तीनों में बात करूं, सो अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड आपको कब मिलेगा, डाउनवर्ड कब मिलेगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा हमने देखा था इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन 0, देन आवर पैराबोला वाज अपवर्ड. इफ ए इज लेस देन 0, देन आवर पैराबोला वाज डाउनवर्ड. इज इट क्लियर? वो आपका डिपेंड करता है ए पे. इफ ए ग्रेटर देन 0 देन अपवर्ड, ए लेस देन 0 देन डाउनवर्ड. यहां मैं सारे ए ग्रेटर देन 0 वाले ग्राफ प्लॉट करूंगा, यहां पे ए लेस देन 0 वाले. नाउ सपोज हमें 2 रूट्स मिल रहे हैं और 2 0s मिल रहे हैं, तो आपका ग्राफ कैसे आएगा?
ये अपवर्ड, ये टू जीरोस मिल रहे हैं, ये डाउनवर्ड, राइट, दिस इज जस्ट अ रिविजन, और ये रहे आपके जीरोस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, दिस इज जस्ट अ रिविजन. नाउ अगर आपको सिर्फ वन रूट मिल रहा है, सिर्फ एक ही रूट मिल रहा है, और वो आपका अपवर्ड है पैराबोला, ये अपवर्ड, और यहाँ पे आया आपका एक ही रूट, ये डाउनवर्ड, यहाँ पे आपका एक ही रूट, वो रूट कुछ भी हो सकता है. नो रूट्स, आपको एक भी रूट नहीं मिल रहा है, ग्राफ कैसा आएगा? ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसे, ए लेस देन जीरो के लिए ऐसे. सो इज इट क्लियर नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, इट इज जस्ट अ रिविजन. राइट, तो ये बस हमारा रिविजन था ग्राफ के रिगार्डिंग, उसके रूट्स एंड जीरोस, स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, चलो फिर हमने क्या पढ़ा था अल्फा एंड बीटा के बारे में स्टूडेंट्स, उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस पे जंप करते हैं. ओके, अगर अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होगा अभिषेक, वो जीरो रूट्स है. स्ट्रेट लाइन के लिए आपका लीनियर इक्वेशन चाहिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके चलो, अब पी ऑफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. स्टूडेंट्स अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो अभी हम पढ़ के गए थे राइट इन लास्ट क्लास, अगर यहाँ से अल्फा एंड बीटा के बारे में आपको लिखना है तो कौन सी दो रिलेशन आपको मिलेंगे? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हु विल टेल मी? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स क्विक. अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा. वेरी गुड, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए. ओके, नाउ अनदर थिंग, अब मान लो आपको रूट्स दिए गए हैं, दोस रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. अब वो रूट्स की मदद से आपको पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग दैट दे हैव गिवन यू द रूट्स, फ्रॉम दिस रूट्स दे आर आस्किंग यू दैट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको अल्फा दिए हैं और बीटा दिए हैं, तो वहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हो? व्हाट विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स? जहां पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे थे, याद है? ओके, उसी तरीके से अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. बोलो. यस, सो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, समझना हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे थे, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स आपके हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा. ओके, सो नाउ दिस इज योर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स. अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसी को आपको इक्वल टू जीरो इक्वेट कर देना है. अब उसमें व्हाट इज द बेनिफिट, आपको के लिखने की जरूरत नहीं है. राइट, यू डू नॉट नीड टू राइट के, बिकॉज के जीरो के उस तरफ जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर, योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, क्योंकि के जीरो के उस तरफ जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा. सो इज इट क्लियर नाउ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, तो ये सब पॉलिनोमियल का ही रिविजन है. अब उसके बेस पे से हम टेन एम 4.1 आवर फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं. राइट, एंड दिस इज द न्यू थिंग, यहाँ पे के नहीं आएगा. इफ यू वॉन्ट टू राइट, अगर आपको के लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, नो इश्यू, क्योंकि वैसे भी वो फिर जीरो से डिवाइड, मतलब वो जीरो जीरो से डिवाइड हो जाएगा एंड देन फिनिश. ओके, सो शैल वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नाउ? सारे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गए? इट इज जस्ट रिविजन ऑफ 10M02. तो ये चैप्टर में पहले हम 10M02 में जितना पढ़ा था उसके बेस से क्वेश्चंस देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते जाएंगे.
एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में वही करना है. सेकंड एक्सरसाइज वी विल सी फैक्टर थ्योरम फॉर दिस, उसका फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिविजन. 10M 4.3 में हम एक नई चीज पढ़ेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली, वो भी आपको पता ही है. एंड 10M 4.4 में लास्ट मेथड, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी ये सारे मेथड्स है वो देखेंगे, और उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली कंफ्यूजन ये होता है कि पता नहीं चलता है कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है. तो मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे पता करना है. ओके, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक आपको याद करनी है, और उसी ट्रिक से मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शैल वी बिगिन एक्सरसाइज. सो लेट अस स्टार्ट 10M 4.1 इन क्लास एक्सरसाइज. ओके, ये संडे आपका 10M 3 का एग्जाम है, राइट? मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा गूगल क्लासरूम पे. आई विल नोटिफाई यू वंस आई विल सेंड. टाइम थोड़ा अभी नहीं मिल रहा है, विल सी. और मौर्या और संजना के डाउट्स बाकी हैं, राइट? आई विल सॉल्व योर डाउट्स, डोंट वरी. चलो, सो लेट अस स्टार्ट 10M 4.1 इन क्लास एक्सरसाइज. Question number one. Now in this question, they are asking you that the standard form of quadratic equation. आपको यहाँ पे बस यही पूछना है कि what is the standard form of quadratic equation? Okay, in which? What is the standard form of quadratic equation? जिसके लिए आपको ये पूछा गया है कि a is not equal to zero. तो अभी हमने लिखा standard form of quadratic equation क्या होगा students? Please give me some response. Right? अभी हम करके गए. What is standard form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c. आपको condition भी दी गई है. abc are real numbers and a is not equal to zero. Right? So it is, your answer will be ax square plus bx plus c equal to zero, where a is not equal to zero. abc belongs to R. तीनों आपके real number होंगे. And x is your variable. चलो, question number two. Graph of quadratic expression in one variable is, अभी आपका quadratic expression one variable में, isn't it? आपको एक ही variable है x. ऐसा two variable में भी आएगा, उसमें भी possible है, but फिलहाल हम वो नहीं देखेंगे. So if it is a quadratic expression in one variable, तो उसका graph क्या होगा? Straight line, circle, parabola और ellipse. बोलो, straight line, circle, पैराबोला और इलिप्स. इलिप्स मतलब ऐसा ग्राफ होता है. इलिप्स अभी के लिए आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो योर एग, राइट? इलिप्स मतलब एग. तो ये पैराबोला आएगा, सर्कल नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इलिप्स नहीं होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. इन क्वेश्चन नंबर थ्री दे आर आस्किंग कन्वर्ट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, 7x² - 2x = 11. चलो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो. सो दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx, c नहीं है, तो इसको इस तरफ लाना पड़ेगा. सो इट विल बी 7x² - 2x - 11 = 0. इज इट क्लियर नाउ? 7x² - 2x - 11 = 0. आसान है. ओके, सेकंड क्वेश्चन, y - 1/y = 0. Students, please give me some response. I hope आपको पता चल रहा है. Okay. Second question of question number 3. y - 1/y = 0. So therefore, if it is y - 1/y = 0, so after simplification, if I take LCM, it is y² - 1/y = 0. अब y वहां पे 0 से multiply हो जाएगा. So therefore it will become y² - 1 = 0. But अगर आपको standard form में लिखना है, तो it should be ax square plus bx plus c. Okay, अब यहाँ पे x की जगह आपको y दिया गया है, तो it should be ay square plus by plus c. अब ay square plus by plus c आप कैसे लिखोगे students? Okay,
सो वाई स्क्वायर ये ऑलरेडी है, दिस इज ऑलरेडी योर वाई स्क्वायर. ओके नाउ वाई वाली कोई टर्म नहीं है तो हम उसे क्या लिख देंगे, जीरो वाई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके सो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जीरो वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई वाली कोई टर्म है ही नहीं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसकी जगह आपको ये लिखना पड़ेगा. ओके इज इट क्लियर? ओके चलो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थ्री, वी प्लस टू वी माइनस टू इक्वल टू जीरो. ओके तो वहां पे भी सेम होगा. इन क्वेश्चन नंबर थ्री दे आर गिवन यू वी प्लस टू वी माइनस टू इक्वल टू जीरो. So therefore it will be v square minus 2 square equal to 0. So v square minus 4 equal to 0, same situation. यहाँ पे भी v वाली term नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0v. So therefore v square plus 0v minus 4 equal to 0. Is it clear now? Right. Students please give me some response. Today very few students are giving response. Okay. I require response from each and everyone. Oh, okay, Sanjana, I got your response. Now, so this was your question three. Now let us see question number four. Okay, तो ऐसे questions में आपको free के marks लेने हैं, right? दोनों chapter में. आसान लग रहा है? आसान है. Find the value of the polynomial y equal to x square minus 5x plus 4 at. अब आपको polynomial दी गई है, right? ये आपका exactly polynomial वाला question हो गया है. So now your polynomial given to you is x square minus 5x plus 4. And you have to find this value of polynomial at 8 or 7 different points. First point is x equal to minus 1. चलो find करते हैं. So your first at x equal to minus 1. So at x equal to minus 1, p of minus 1 is equal to minus 1 square minus 5 minus 1 plus 4. Minus 1 whole square is 1. Minus 1 is plus 5 plus 4. 5 plus 4, 9 plus 1, 10. Now let us see your second question. In second question, we have to find for x equal to 0. So p of 0 will be equal to 0 square minus 5 times 0 plus 4. Plus 4, so this will be equal to 4. Right now, third, we have to find for x equal to 1. So p of 1 is equal to 1 square minus 5 times 1 plus 4. 4 plus 1, 5 minus 5, 0. Fourth, we have to find for x equal to 2. So p of 2 will be equal to 2 square minus 5 times 2 plus 4. 2 square, 4 plus 4, 8. 5 2 is a 10. 8 minus 10. Minus 2. Sure. Now next, fifth, for x equal to 3. So p of 3 is equal to 3 square minus 5 times 3 plus 4. Okay. So 3 square is 9. 9 minus 3 square 9. 9 plus 4, 13. 5 3 is a 15. 13 minus 15. Minus 2. Okay. And find, and at x equal to 4, it is 4 square minus 5 into 4 plus 4. 4 square 16 plus 4 20. 20 minus 20 0. And p of 5 at x equal to 5, it will be 5 square minus 5 times 5 plus 4. So 5 square 25 minus 5 5 is a 20. 25 minus 25. 5 plus 4, 9. Okay. After that, they are asking that the value of given polynomial becomes 0 at which values of x? Kaun se value pe aapki polynomial 0 ho rahi hai, students? Please type in chat box, 0 kaun kaun si value pe ho rahi hai? X ki kaun kaun si value pe hamari polynomial 0 hai? Yes, very good. So p of 1 and p of 4. Aur x ki jis value pe aapki polynomial 0 ho rahi hai, usse hum kya bulte hai? So these values of x are called the zero of polynomial y, isn't it?
पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है तो जीरो एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स है तो इक्वेशन एंड जीरो है तो पॉलिनोमियल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो ये एक्चुअली इसको बोला जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ इक्वेशन. अभिषेक इज टेलिंग 25 माइनस 25 जीरो. नो अभिषेक, सी इट इज 5 स्क्वायर 25 माइनस 25 जीरो, फिर यहाँ पे प्लस 4 है. ओके ओके, माय मिस्टेक, सो इट विल बी 4. ओके इट विल बी 4, नॉट 9, आई हैव रिटन 9, मिस्टेक. ओके, सो हियर योर आंसर विल बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. Okay, so shall we move to next question? Can next question begin? Okay, now. So here, यहाँ पे आंसर ध्यान रखना students, it should be zero of polynomial, okay, not roots. तो यहाँ पे आपको जो लिखना है, it should be zero. Sure. Now let us see question number 5. So in this question 5, they are telling that, see here carefully, a car travels a distance of 480 km at constant speed. ओके, तो एक कार है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है एंड विथ कांस्टेंट स्पीड, योर स्पीड इज कांस्टेंट. नाउ इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर, मतलब दिस कांस्टेंट माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस. अब आपको यहाँ पे टाइम लगेगा 3 आवर्स मोर, मतलब अर्लियर जितना टाइम लग रहा था उससे आपको अब 3 आवर्स मोर लग रहा है. नाउ मॉडल द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज्यूम दैट एक्स इज ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार. हियर वी हैव टू एज्यूम दैट एक्स इज ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार. ओके, तो आपको याद हो तो यही एक स्पीड वाला क्वेश्चन था, right, in which we were assuming and we got that one quadratic equation. मैंने आपको बताया था, मैं आपको उसमें बताऊंगा. Now see, ऐसे ही speed, distance and time वाले equations हम linear equation in two variable में भी करके आए हैं, isn't it? अब definitely किसी को भी confusion होगा कि सर ये अब linear equation in, अब यहाँ पे तो question में बोला गया कि quadratic equation form करो. अगर नहीं बोला होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा समझो. सो जस्ट रिमेम्बर दिस चार्ट, मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं, वो चार्ट से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो व्हेनेवर यू हैव बीन गिवन वर्ड प्रॉब्लम्स, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाए, तो योर फर्स्ट स्टेप विल बी एज्यूम योर वेरिएबल्स, राइट? आपके वेरिएबल्स एज्यूम कर दो. सो एज्यूम योर वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, जो भी आपको अननोन्स दिए गए हैं, जो भी आपको फाइंड करना है, तो वो आप उसको एज्यूम करो. अब उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ. सो एज्यूम योर वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, फ्रॉम देयर
नाउ यू विल बी हैविंग टू टाइप ऑफ इक्वेशंस, ऑब्वियसली फॉर्मूला बुक में लिखना ही है ना. ओके, एज्यूम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, नाउ फॉर्म इक्वेशंस बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस, राइट. आप इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करो. नाउ आफ्टर फॉर्मिंग इक्वेशंस यू विल बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस स्टूडेंट्स. ओके, आपको दो टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे. पहली टाइप के इक्वेशन में यू कैन हैव बोथ लीनियर इक्वेशन. ओके, मतलब दोनों इक्वेशन में आपको एक्स और वाई का प्लस मिलेगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. दो इक्वेशन आपको ऐसे मिलेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. दोनों आपको लीनियर इक्वेशन मिलेंगे. जबकि यहाँ पे क्या होगा, एनीथिंग एनी कॉम्बिनेशन यू कैन एक्सपेक्ट. एनी कॉम्बिनेशन मतलब वन सच कॉम्बिनेशन इज वन लीनियर इक्वेशन एंड वन इज द इक्वेशन इन विच यू विल बी हैविंग एक्स इंटू वाई और प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई देन समथिंग. ओके, देन समथिंग इक्वल टू जीरो. सो वेन एवर यू विल बी हैविंग बोथ इक्वेशंस एज लीनियर इक्वेशन देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ टेन एम 03, that is pair of linear equation in two variables. तो आप इसे tan m 03 chapter से solve कर सकते हैं. उसमें हमने जितनी भी method पढ़ी वहां से. From here, right, यहाँ पे दिख रहा है ना x और y का product है students. तो इसको आपको solve करना है tan m 04. That is polynomial. अब आप इसे polynomial में कैसे convert करोगे, right? So जो भी आपका x into y वाला equation है, उसमें से y को x में convert कर दो, तो आपको मिलेगा something divide by x. फिर उसको आप first equation में रख दो. That is method of substitution only, right? तो आपको x में quadratic equation मिल जाएगा. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस ये मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन को ये मेथड से सॉल्व कर सकते हो. सो आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, एक बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ. ओके, एंड डोंट वरी, आई विल शेयर यू दिस पीडीएफ एज वेल. ओके, आफ्टर द क्लास, जस्ट यू हैव टू गिव मी सम टाइम. डेफिनेटली आई विल शेयर आफ्टर 9 ओनली और टुमारो मॉर्निंग, बट आई विल ट्राई की आफ्टर 9 आई कैन डू दिस. सो व्हेनेवर यू विल बी हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट, इन क्लास 10, whenever you will be having word problems, your first step is